आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं आपको लौकी मावा रिंग की एक मिठाई बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें 250 ग्राम मावा, 250 ग्राम चीनी, गोले का बुरादा, केसर दूध में भिगा के रखी है ये मैंने कलर के लिए, पिसी हुई इलायची, बादाम कटे हुए और पानी और एक लौकी चाहिए। पहले हम लौकी को छील लेंगे। हम इसके ऐसे गोल गोल रिंग बना लेंगे और इसके रिंग में से बीच में से हम ये इसकी लौकी का सब निकाल देंगे। हमें इस टाइप का कर लेंगे। उसके बाद हम इसे थोड़े पानी में लौकी के जो ये रिंग है इन्हें उबाल लेंगे, हल्का उबाल लेंगे। उसके बाद हम एक कटोरी चीनी और 3 कटोरी पानी डाल के इसकी एक पतली सी चाशनी बनाएंगे और उबाल इसको चलाएंगे। देर में हमारी चाशनी तैयार हो रही है, उतनी देर में हम ये मावा इसमें डालेंगे और थोड़ा सा इसको चीनी डालकर भून लेंगे। चीनी में उबाल आ गया है, हमारी चाशनी में उबाल आ गया है। अब ये जो हमने थोड़े से बॉइल करे थे लौकी के पहिए, ये हम इसमें डाल देंगे। और अगर कलर आपको देना है, व्रत में आप कलर खाते हैं, खाने वाला फूड कलर, तब आप इसमें डालेंगे, नहीं तो उसको स्किप कर देंगे। ज़्यादा हम नहीं चलाएंगे, बस थोड़ा चाशनी इसमें भर जाए इतनी देर तक इसे उबालेंगे। चीनी और मावा भुन गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा केसर वाला दूध डालेंगे और थोड़ी सी हरी इलायची का पाउडर डालेंगे, बादाम डालेंगे और इसे चला देंगे। जब हमारे ये रिंग में काफ़ी उबाल आ जाए और लगने लगे कि ये अब थोड़ा सा गल गए हैं, तब हम इसकी गैस बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट बाद मैंने इसे चाशनी में से इसे बाहर निकाल के अब इसमें हम मावे की गोली सी बनाकर इसके बीच में ऐसे भरेंगे। सारी हमने ये इस तरह भर ली। भरने के बाद हम ये थोड़ा सा गोले का बुरादा लेंगे नारियल का और इसमें एक एक उठाकर इसे अच्छी तरह इसमें ऐसे लपेट के और इसे हम सेट करेंगे। बुरादे में लपेटने के बाद फिर हम इसमें ये जो केसर वाला दूध है थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर गार्निश के लिए हम इसमें डालेंगे और फिर थोड़ा जो ये पिसी हुई इलायची का पाउडर है हरी इलायची का, ये इसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद कटे हुए जो बादाम है उससे हम इसे डेकोरेट करेंगे। और ये लौकी के मावे वाले रिंग व्रत के जन्माष्टमी पे तैयार हो गए हैं। धन्यवाद।